अब हम बात करेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। वेयर क्लॉज क्या होता है? वेयर क्लॉज एक आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करता है, आपकी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को डिफाइन करता है। तो आप अगर कोई डेटा सेट जो है, कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि आपका डेटा जो है वो किस तरीके से शो होना चाहिए एज एन आउटपुट। आप उसको कैसे रन कर सकते हैं उसकी क्वेरी को, तो उसके लिए आप लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम वन, कॉलम टू, जो भी कॉलम का नेम है, फ्रॉम टेबल, उस टेबल में से टेबल का नेम देते हैं और स्पेसिफिक कॉलम का नेम देते हैं या सेट ऑफ कॉलम्स बताते हैं। इस टेबल में से वो डेटा आपका शो होना चाहिए आउटपुट के तौर पे, जिसमें आप कोई वेयर लगा के कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो बता देते हैं। इन कॉलम्स में और इस टेबल में बहुत ज्यादा डेटा मौजूद होगा, लेकिन जस्ट जो आपने कंडीशन अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा जो होगा, जो उस कंडीशन को मीट करता हुआ होगा, वो डेटा आपका आउटपुट में शो होगा। तो हम इसके लिए कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, उसके लिए है जी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आपने पूरे टेबल को स्टूडेंट में से सिलेक्ट कर लेना है और शो आपने करना है वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, यानी कि जो हम अभी डेटा जो है वो टाइप करके हटे हैं प्रैक्टिस फाइल में, उस डेटा में से जो डेटा जिसमें से मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 होंगे, वो डेटा आपने शो करना है। या इसके अलावा एक और आप मेथड से कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स फैसलाबाद। आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप वो डेटा शो करें जिसमें सिटी जो है वो फैसलाबाद। ये एक मेथड है। इसके बाद सेकंड मेथड ये है कि आप लिख सकते हैं सिलेक्ट कार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। ये दोनों मेथड जो हैं ये आपके वेयर क्लॉज को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे हम वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो स्टूडेंट्स के मार्क्स नजर आ रहे हैं और उनकी डिटेल नजर आ रही है जिनके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80। हालांकि हमारे पास यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 80 से कम भी हैं, बट लेकिन यहाँ पे हमें वेयर क्लॉज की वजह स्टूडेंट्स की डिटेल शो कर रहा है जिनके मार्क्स जो है वो ग्रेट 80 है। इसके अलावा हम एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर 80 इक्वल फैसलाबाद, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हमें वो डेटा शो कर रहा है जिसमें फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है। तो हम इस तरीके से वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। हम वेयर क्लॉज को डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ यूज करते हैं। उन ऑपरेटर्स में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिट वाइज ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे हमारे पास मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया और मॉड्यूलस हो गया। हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का तो पता है, लेकिन मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर जो है वो बताता है। रिमाइंडर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे करते हैं जी 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 थ्री आर 12 एंड यहाँ पे हमारे पास 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो मॉड्यूलस के जरिए से ये जो रिमाइंडर होता है ये चीज जो आती है हमारे आउटपुट में शो होती है। अब यहाँ पे मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्वेरी रन करूंगा जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स प्लस 10 ग्रेटर देन 100 और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो इस वेयर क्लॉज के अगेंस्ट जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे वो डेटा शो करवाता है दो स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 93 और 96 है। अगर मैं इनमें 10 ऐड करता हूं तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो ग्रेटर देन 100 हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे -10 करके लेस देन 80 चेक करूं और इसको मैं सेमीकॉलन लगा के एग्जीक्यूट करूं, तो ये मुझे डेटा शो करता है 3 स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं वो लेस देन 80 आते हैं। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वेयर क्लॉज। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? जब आप दो स्टेटमेंट्स को या दो कंडीशंस को कंपैरिजन करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, तो उसके लिए पहला है जी इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए आप ये साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, के ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं और ये दो स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन दे दूं कि मार्क्स वो शो करे जो कि इक्वल टू 85 है, सेमीकोलन, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऊपर जाके, तो एग्जीक्यूट करने पे मुझे ये डेटा शो करता है जस्ट एक स्टूडेंट जिनके मार्क्स 85। अगर मैं यहाँ पे 85 की बजाय यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा शो करेगा 3 स्टूडेंट के मार्क्स जो के ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं लेस देन इक्वल टू 85, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे
मुझे डेटा शो करवाएगा जिनके लेस देन और इक्वल टू 85। तो ये हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इनको हम वेयर क्लॉज के साथ किस तरीके से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास जो एंड और नॉट इन बिटवीन और लाइक एनी, ये हम तमाम के तमाम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इनमें इनको एंड को हम पहले डिस्कस करते हैं। एंड जो है, एंड आपका एक ऐसा ऑपरेटर है जो आप वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं जब आपकी बोथ कंडीशन जो दे अप्लाई कर रही है वो कंडीशन दोनों ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, आपने डेटा सिलेक्ट करना है स्टूडेंट के टेबल से और आपने उस पे वेयर क्लॉज लगा दिया है कि आपके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 हो और सिटी आपका फैसलाबाद हो। तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन ये होगी और दूसरी कंडीशन ये हो गई। जब आपकी दोनों कंडीशंस अप्लाई करने पे ट्रू होंगी तब आपका रिजल्ट आउटपुट के तौर पे जहां पे टेबल की रो में ये दोनों कंडीशंस सेम आपकी ट्रू होती हुई तो आपका वो डेटा शो होगा आउटपुट में। और आपका एक ऐसा ऑपरेटर है जहां पे आप जब दो कंडीशन अप्लाई करते हैं उन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है तो आपका डेटा आउटपुट में वो शो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डेटा सिलेक्ट करके स्टूडेंट के टेबल से आप कह रहे हैं कि एक तो जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है वो डेटा शो हो और दूसरा जिनकी सिटी फैसलाबाद है वो डेटा शो हो। तो दोनों कंडीशन में से चाहे आपकी फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आपका डेटा आउटपुट में शो हो जाएगा। अब हम इसको माई एसक्यूएल वर्क बेंच से देखते हैं कि किस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए सिटी जो हो हमारा वो होना चाहिए फैसलाबाद। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा शो होगा एक स्टूडेंट का जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं और उनका सिटी जो है वो फैसलाबाद। ये है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों जो कंडीशंस आपने कही है मार्क्स ग्रेटर देन 90 और सिटी इक्वल्स फैसलाबाद, ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पे अब मैं अप्लाई करता हूँ इसी कंडीशन के साथ और ऑपरेटर और मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा शो होगा तीन स्टूडेंट्स का जिसमें 102 के 93 मार्क्स हैं, 103 के 85 एंड 104 के 96। बट ये दो जो है वो फैसलाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, एक लाहौर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक में कंडीशन जो है वो दोनों अप्लाई हो रही है यानी कि ग्रेटर देन 90 मार्क्स भी हैं और फैसलाबाद से भी बिलोंग करता है। सेकंड वाले में ये 85 मार्क्स हैं यानी कि फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं कर रही और सेकंड कंडीशन जो है फैसलाबाद से ये बिलोंग कर रहा है। थर्ड कंडीशन में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन 90 है बट जो सिटी है वो फैसलाबाद नहीं है, सिटी लाहौर है। तो और ऑपरेटर में आपके पास दोनों कंडीशंस का मीट करना जरूरी नहीं है और ऑपरेटर में आपकी एक कंडीशन मिल जाए देन फाइन, और अगर एंड ऑपरेटर हो तो एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों सिचुएशंस का ट्रू होना जरूरी है।